हेलो फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं अर्पित सेठिया आज आपके लिए लेके आया हूँ 12x60 का इस फेसिंग एक शानदार सा लो बजट हाउस, जो कि हम आज टूर करेंगे। इस हाउस की विशेषता ये है कि ये वेल डेवलप कॉलोनी के अंदर है हमारा, और ये नियर टू द देवास नाका के पास में रहेगा। तो आइए हम चलते हैं इस घर की तरफ, अंदर की ओर। उसके पहले जाने से पहले देखते हैं बाहर आपको क्या मिलेगा। आपको यहाँ छोटी सी प्यारी सी पार्किंग देखने को मिल जाएगी। टेपर शेप पे यहाँ पर आपको आपको स्लैब देखने को मिलेगी, जहाँ आप अपनी छोटे में टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और आपको इन और आउट दोनों साइड खोलने वाले आपको डोर, मेन डोर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने एक दरवाजा अंदर तरफ खोला, एक बाहर की तरफ खोला है। ये मेरा एंट्रेंस में सबसे पहला पॉइंट रहेगा। और रही बात इस पार्किंग के एरिया की, साइज की बात की जाए तो 12x10 का इस पार्किंग का साइज रहेगा। और रेंट पर्पस के लिए हमने यहाँ पर आपको चढ़ाव जो आपको यहाँ स्टार्टिंग में दे रखे हैं आपको फ्रंट से, ताकि आपको फ्यूचरिस्टिक अगर आपको रेंट वगैरह से देना हो तो आप इसको आगे जाके बनवा सकते हैं। देन बात करते हैं हम, तो जैसे कि हम बात कर ही रहे थे अभी वाटर टैंक की, तो आपको यहाँ डाउन में वाटर टैंक देखने को मिल जाएगा। लगभग एक टैंकर पानी आप इजिली स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारे रो हाउस है, तो इन रो हाउस में हमने एक कॉमन बोरिंग करा हुआ है जो इन चारों बंगलों, इस चारों घर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और आपको भी यहाँ वर्क चल रहा है, तो आपको आने वाले टाइम पर रेलिंग देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ में रही बात आपको मीटर बॉक्स की, तो आपको यहाँ पर फ्रंट में मीटर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और हमने यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ पर पार्किंग की टाइल्स दी है, लो बजट हाउस जैसे मैंने बताया आपको। ये हमारा लो बजट हाउस रहेगा देवास नाके के पास में। इस फेसिंग बंगले इस हाउस की साइज रहेगी, जैसे हमने पूरा क्लियरफाई करा है मैंने यहाँ पर। और इसके बाद हम चलते हैं हम अंदर की ओर, तो डबल पता हमें यहाँ पर आपको डोर देखने को मिल जाएगा, चौखट देखने को मिलेगी, जिसकी जो मच्छर जाली आप बाहर की तरफ लगा सकते हैं, और आपको जो डोर वाला हिस्सा है आपको अंदर खुलेगा। स्टैंडर्ड एसेसरीज विथ स्टैंडर्ड लॉक सिस्टम के साथ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इसके बाद हम चलेंगे हमारे ड्राइंग हॉल की ओर। रोक लिया, जैसे कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ड्राइंग हॉल में, तो हम थोड़ा डोर को अंदर से टूर कर लेते हैं। ये हमारा डोर का साइज रहेगा आपको जो देखने का। स्टैंडर्ड साइज की बात की जाए तो 3.5x6 फीट की हाइट का आपका ये डोर रहेगा, स्मॉल हैंडल विद स्टैंडर्ड एसेसरीज। इसके बाद आपको टीवी यूनिट का यहाँ पर एक पॉइंट अंदर अंडरग्राउंड लाइट के साथ देखने को मिल जाएगा। और रही बात इस फ्लोर की हाइट की, तो लगभग 10 फीट की इसकी हम आपको हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट में आपको विंडो देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी 2 पैनल पर रहेगी। ध्यान रखिएगा इसमें हम आपको 2 पैनल दे रहे हैं, क्योंकि ये हम लो बजट हाउस आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पर वो ग्रिल बार रहेगा हमारा, वो 16 बार का रहेगा। रही बात इस ड्राइंग हॉल के साइज की, तो अभी जैसे मैंने चौड़ाई बताई है इसकी, जो रहेगी हमारी 12 फीट की, और जो इसकी डेप्थ रहेगी वो भी लगभग आपकी 13 फीट का इसकी डेप्थ रहेगी। तो हमारा जो ड्राइंग हॉल का जो साइज रहेगा वो 12x13 फीट का रहेगा। और आपको सेंटर पे आपको यहाँ पर फैन बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे हमारे अटैच किचन की ओर। किचन हम आपको यहाँ मॉड्यूलर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लो बजट हाउस है। आपको यहाँ सिंक का पॉइंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और यह आपका प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आपको 2 फीट हाइट आपको टाइल्स देखने को मिल जाएगी। और किचन की साइज की बात की जाए तो 12x9 का एक स्टैंडर्ड साइज हमने आपको आपको प्रोवाइड कराया है। और छोटा मोटा अगर आपको स्टोर वगैरह करना हो तो आप वहाँ पर जाके आप अपना सामान वगैरह छोटा मोटा आप रख सकते हैं ऊपर की ओर। और आपके फ्रिज का जो पॉइंट हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा है, तो कंप्लीट हमने यहाँ टूर कर लिया हमारे किचन वाले एरिया का। इसके बाद हम चलते हैं हमारे वॉश एरिया में। ये मेरा कॉमन वॉश एरिया है, जिसमें आप अपने बर्तन वगैरह आप अपने कपड़े वगैरह इजिली धो सकते हैं। वॉशिंग मशीन के पॉइंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड करे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आपके आरओ सिस्टम के पॉइंट भी यहाँ पर प्रोवाइड है। देन टाइल्स की बात की जाए तो लगभग 3 फीट हाइट की यहाँ टाइल्स दे रखी है। और ऊपर टॉप पे यहाँ पर आपको डक्ट देखने को मिलेगा, जो आपके वेंटिलेशन के लिए, भरपूर वेंटिलेशन के लिए आपको फायदा देगा, आपके किचन में, आपके पीछे वाले बेडरूम में, और आपके जो मेरे राइट हैंड साइड पे टॉयलेट में। तो ये टॉयलेट, किचन और आपका बेडरूम, तीनों को ये डक्ट यहाँ पर कवर कर रहा है। देन अब हम चलते हैं किचन से हमारे लेट बाथ की ओर। तो सबसे पहले यहाँ आपको जो यहाँ दिख जाएगी एक प्यारी सी 3x3.5 की आपको बाथ मिल जाएगी। और आपको यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड पे ये आपको बाथ का एरिया है, जिसमें हमने टॉप तक आपको हमने टाइल्स लगा के दे रखी है। और ये हमारा लेट वाला एरिया है, इंडियन यूनिट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें भी आपको टॉप तक आपको हाइट तक टाइल्स देखने को मिल जाएगी। डोर आपके पीवीसी के यहाँ पर रहेंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी के, जो लो बजट हाउस में हम जैसे नॉर्मल प्रोवाइड करते हैं। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है हमारे मित्र राकेश जी ने बनाया है, तो आप उनके ऑफिस में जाइए और इसके बारे में, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जरूर उनसे चर्चा कीजिए।
ये मैं अंदर आ चुका हूँ बेडरूम में। इसमें हम जो चौखट दे रहे हैं वो सिंगल पदाम रहेगी। डोर आपको इसमें पैनल डोर आपको मिलेगा विद स्टैंडर्ड एक्सेसरीज के साथ में। रूम की साइज की बात की जाए तो मास्टर बेडरूम की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। बड़ा साइज है, 12x14 का इसका साइज रहेगा हमारा। टॉप पे इसमें फैन बॉक्स देखने को मिल जाएगा और मेरे इस लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटी सी तान जो स्टोरेज पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है हमारा, विंडो तान बेडरूम कंप्लीट एक रूम जो हमारे मास्टर बेडरूम्स में होते हैं। मेरे पुराने वीडियो हमने देखते रहेंगे, इसमें कंप्लीट कवर आउट करा हुआ है हमने और आपको यहाँ इसके साथ में अटैच लेट बाथ भी मिल जाएगी। तो बात ध्यान दीजिएगा, 12x60 में आपको दो लेट बाथ मिल रही है और दो तरफ से आपको डक्ट के वेंटिलेशन आ रहा है। एक वेंटिलेशन मैंने जैसे आगे बताया था और एक वेंटिलेशन का पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो पूरे घर में कहीं पर भी आपको वेंटिलेशन की कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। और साथ साथ में इस बेडरूम में आपको एक टीवी का पॉइंट भी दे रहे हैं। और लास्टली मैं आपको टूर करा देता हूँ इस टॉयलेट की। तो जैसे कि आप टॉयलेट में अंदर जाएंगे तो अंदर में आपको फुल हाइट तक आपको लगभग 7 फीट हाइट तक आपको टाइल्स देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आपको स्टैंडर्ड एसेसरीज के साथ में आपको आपकी जो एसेसरीज अपने नल टैप वाटर की एसेसरीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने का रास्ता। चौड़ाई की बात की जाए तो 3 फीट की चौड़ाई दे रखी है। वेंटिलेशन हमारा स्टैंडर्ड, हमारा वेंटिलेशन ऊपर की तरफ से आएगा यहाँ पर आपको विंडो का। और ये मेरा फ्रंट से सेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा, हमने आपको ग्रिल प्रोवाइड यहाँ पर कर रहे हैं। ये मेरा बैक साइड में जाने का रास्ता, मेन बैक साइड का डोर रहेगा। और पूरी छत आप देख सकते हैं, पूरी फिनिश छत देखने को मिलेगी। टॉप पे आपको वाटर टैंक देखने को मिल जाएगा, 500 लीटर का वाटर टैंक आपको देखने को मिलेगा टॉप की ओर। और जो हमारे डक्ट हैं वो आपको कवर आउट मिलेंगे पूरे, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कवर करा हुआ है और छत फिनिश। तो दोस्तों कैसा लगा आपको 12x60 का देवास नगर के पास में ईस्ट फेसिंग ये बंगलो? अगर आपको ये हमारा लो बजट हाउस पसंद आया हो तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के हाउस प्लान करने के लिए मुझसे जरूर संपर्क करें। मैं अर्पित सेठिया इंजीनियर आपकी जरूर मदद करूंगा। थैंक यू।